खैबर की जंग में चलो, हैदर कर्रार की सजा देखो। खैबर की जंग हो रही है, यहूदियों का ऐसा किला जिस पर उन्हें नाज था कि पूरी दुनिया की सुपर पावर मिलकर भी उनके किलों को ढा नहीं सकती, उसे तोड़ नहीं सकती। मेरे नबी तशरीफ ले गए हैं, किले का मुहाशरा हो चुका था, जंग नहीं हो पा रही थी। वो ऊपर से तीर मारते थे, सहाबा पीछे हट जाते थे। एक रात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की इस पसपाई को देखकर ऐलान करते हैं कि आज सो जाओ, आज सुकून से सो जाओ, कल सुबह होने दो। मैं अपना झंडा उसके हाथों में दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, नबी भी पसंद करता है। सहाबा कहते हैं, हुजूर का इतना फरमाना था, नींद किसको आए? किसी को नींद नहीं आ रही थी। मेरे आका के इस फरमान पर सारे सहाबी जागते रहे। मजमे में सुबह फजर की नमाज के बाद सारे जमा हो गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा लेकर खड़े हैं और सहाबी इंतजार में हैं कि झंडा किसके हाथ में दिया जाएगा। हुजूर ने सब जगह नजर दौड़ाई, सब सोच रहे हैं कि मेरा नाम होगा, मेरा नाम होगा। उसके बाद मेरे आका की जबान से निकला, अली इब्ने अबू तालिब कहाँ हैं? उस वक्त वो मजमे में भी नहीं थे। मजमे में इसलिए नहीं थे कि सहाबियों ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल रात वो बीमार हो गए, बुखार आया है, आंखें लाल हो गई हैं, आज सुबह चश्म की बीमारी थी, आंखें दुख रही हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, इसलिए सो रहे हैं। नबी ने फरमाया, जाओ उठा लाओ, बुला कर लाओ। उठ कर के आए, उसी हालत में बुखार ज़दा बदन है, आंखें धुंधली पड़ गई हैं, आंखें तप रही हैं और आंखों से पानी रवा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा हैदर कर्रार के हाथों में दिया, कहने लगे, जाओ आज की फतह अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिखी है। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा, इतनी बड़ी जंग का आलम बीमार के हाथों में दिया। सोचा भी नहीं कि एक बीमार के हाथों में इतनी बड़ी जंग की जिम्मेदारी दे दी है, क्योंकि उनको यकीन था नबी पाक जिसके हाथ में परचम पकड़ाएंगे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, फतेह उसी की होगी। देखा भी सहाबियों ने, हजरत अली उस दिन बीमार थे। बीमार का हाल जब ये है तो सेहत का हाल क्या होगा। हैदर कर्रार ललकारते हुए यहूदियों को पुकार रहे हैं। उस वक्त एक मरहब नामी बड़ा ताकतवर यहूदी था जिसको ये नाज था कि वो हजार से एक साथ लड़ सकता है। वो गरजते हुए आया और कहने लगा, है कोई मुसलमानों में जो मेरे मुकाबले में आए? हजरत अली ने एक ही जवाब दिया, ऐ यहूदी, ऐ घमंड करने वाले, आजा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर किसे कहते हैं? तफसील में जाएंगे तो अरबी की खसूसियत पर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए, हैदर के माने शेर के हैं। हैदर उस शेर को कहते हैं जो बार बार पलट कर हमला करता है और कभी हार नहीं मानता। हैदर कर्रार उस मरहब के पास आए और इस जंग का पासा उसी वक्त पलट गया। थोड़ी ही देर के बाद वो गुर्राते हुए जैसे ही आया तो आपने अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया, जिसकी वजह से उसके सर के दो टुकड़े हो गए, हलाक हो गया। मरहब, वो यहूदियों का रईस सरदार, चंद लम्हात में, थोड़ी ही देर में वो जमीन पर ढेर हो चुका था। उस किले का दरवाजा जो था वो इतना भारी था कि 40 सहाबा मिलकर उसे हिला रहे थे, पर वो हिल नहीं रहा था। और हम समझते हैं कि उस वक्त के सहाबी की एक अकेले की ताकत आज के 40 पहलवानों के बराबर होगी, और कोई ऐरे गैरे पहलवान नहीं, बल्कि पक्के पहलवान, कच्चे पहलवान की बात नहीं करते। उस जमाने के 40 सहाबा खैबर के फाटक को हिला रहे थे, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। जब नहीं हिल रहा था तो सबों ने कहा, हजरत अली को बुलाओ। कुछ सहाबा ने हजरत अली को बुलाया, बुखार ज्यादा है, आंसू बे चश्म है, मरहब को अभी मार करके आए हैं, जंग लड़ी है। सहाबा ने कहा, फाटक हिलता नहीं, ये खुलता नहीं। हजरत अली एक हाथ में परचम पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ से आपने उस फाटक को, उस दरवाजे को धक्का दिया। साहबा कहते हैं, हमने देखा गैबी ताकत पता नहीं हजरत अली के अंदर कहां से आई थी, वो एक हाथ से खुला और करीब 40 गज दूर जाकर गिरा। ये हैदर कर्रार की ताकत है, खैबर के उस किले को फतह करने में ये सहरा हजरत अली के नाम जाता है। हम सुन्नी उस फजीलत के कायल हैं, हम इस बात को मानते हैं, हजरत अली के पास जो कुव्वत थी वो अल्लाह की दी हुई कुव्वत थी। नौजवान का जिक्र आए कभी तो हम जवान किसको कहते हैं ये समझ लो। हकीकत में जवान का लफ्ज फिट बैठता है किस पर?
हैदर कर्रार पर। जानते हो उस वक्त उम्र क्या थी, क्या उम्र होगी? नौजवानों को अपनी झोली में झांकना चाहिए, हमारे लिए भी, सबके लिए भी। हजरत अली की उम्र उस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। आज के 26 साल के नौजवान को होश नहीं है कि उसे करना क्या है।